के फलस्वरूप अधिक से अधिक किसान इस प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। मेरा नाम मथुरा प्रसाद मीना, मैं ग्राम कुल्लू अगला का रहने वाला हूँ। मुझे अपने डॉक्टर साहब नवी बाग कृषि फार्म वालों ने ये रोडों पर दिया, जिसको मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। जो कि तीन बार में जुताई नहीं कर पाता था, वो एक ही बार में हो गया काम। इससे पानी की भी बचत, समय की बचत और भी बहुत से कई फायदे हैं। रबी फसलों की बुआई व रोपाई के लिए पारंपरिक तथा यांत्रिकृत दोनों ही विधियां प्रचलित हैं। देसी हल बुआई यंत्र को संशोधित करके दुफन का विकास किया गया है। इस औजार में दो पतले खांचे लगाए गए हैं, जिनसे छोटी छोटी कूड़ बनाई जाती है। बीज मापन कीप तथा बीज नलिकाओं के माध्यम से इन कूड़ों में बीज डाले जाते हैं। ये बीज दो कतारों में वितरित हो जाते हैं। ये एक अच्छा सुधार था, क्योंकि इससे औजार की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि 0.06 से 0.14 हेक्टेयर प्रति घंटा हुई। इसमें लगने वाली खिंचाव शक्ति भी अपेक्षाकृत कम थी। इस औजार में किया गया एक अन्य सुधार तीन कतारी बीज रोपाई यंत्र का विकास, इसे त्रिफन के नाम से जाना जाता है। इसकी कार्यक्षमता 0.12 से 0.18 हेक्टेयर प्रति घंटा के बीच है। ट्रैक्टर चालित बीज व उर्वरक बुआई मशीन गेहूं, चना व अन्य बीजों की बुआई हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला एक लोकप्रिय उन्नत उपकरण है। सामान्यतः कूड़ बनाने के लिए पलटने योग्य 9 दांतेदार शावल का प्रयोग किया जाता है। मशीन की कार्यक्षमता 0.5 से 0.6 हेक्टेयर प्रति घंटा के बीच है। इसके विपरीत अधिक मूल्य होने के कारण बीज सह उर्वरक ड्रिल की उपलब्धता काफी कम है। किसान सामान्यतः बीज व उर्वरक को बीज बॉक्स में ही मिला देते हैं। लहसुन की फसल में बीज से बीज के मध्य 10 सेंटीमीटर के अंतर से कतारों में हाथ से रोपाई की जाती है। इसे बैठकर अथवा झुककर किया जाता है, जिसमें अत्यधिक कठोर श्रम एवं समय सम्मिलित है। फसल की रोपाई हेतु श्रमिक आवश्यकता 30 से 40 कार्य दिवस प्रति हेक्टेयर के बीच होती है। पारंपरिक विधि से किए जा रहे एक अन्य कठोर श्रम साध्य प्रचालन है प्याज की रोपाई। इसमें 75 से 100 कार्य दिवस प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है तथा इसे भी बैठकर किया जाता है। इसके अलावा अधिक श्रमिक आवश्यकता होने के कारण फसल की रोपाई समय पर पूर्ण करना कठिन है। लहसुन की रोपाई हेतु राज्य के किसानों ने एक 13 कतारी ट्रैक्टर चालित लहसुन रोपाई यंत्र अपनाया है। इस यंत्र में मीटरिंग प्रणाली ऊर्ध्वाधर रोटर प्रकार की है। श्रमिक आवश्यकता में 80% तथा मशीन के मूल्य में 25% की बचत होती है। मेरा नाम भरत पाटीदार, गांव जानापाव कुटी, तहसील मऊ, जिला इंदौर। लहसुन की ये मशीन सर हमने 6 साल पहले खरीदी। वो फायदेमंद हमको इसलिए है कि लेबर कम लगती है इसमें और सही बराबर में बढ़िया चलती है। उड़ाने का काम नहीं, चुपाई का काम नहीं, लेबर का कोई काम नहीं इसमें। आज भी बढ़िया चल रही है मशीन, में कोई तकलीफ नहीं सर। लहसुन में कोई तकलीफ नहीं, बराबर गिरती, कम ज़्यादा भी नहीं गिरती, उगने में भी बढ़िया रहती है और लहसुन की साइज फुल होती है। बॉम्बे में एक नंबर लहसुन बिकती है ये लहसुन के सीडिल की सर। उड़ाई हुई में क्या छोटी बड़ी निकलती है, इसमें एक जैसी निकलती है। राज्य के किसानों द्वारा आलुओं की रोपाई हेतु एक ट्रैक्टर चालित 4 कतारी अर्ध स्वचालित आलू बुआई यंत्र अपनाया गया है। यंत्र में आलू की बुआई हेतु प्रत्येक कतार के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मशीन में कूड़ तथा मेड़ बनाने हेतु रिजरस लगाए गए हैं। इसमें घूमने वाला ड्रम है, जिसमें प्रचालक आलू के कंद भरता है। एक निकासी पाइप तथा एक कवरिंग प्रणाली लगाई गई है। इस यंत्र की कार्यक्षमता गति 0.35 से 0.4 हेक्टेयर प्रति घंटा के बीच है। इससे श्रमिक आवश्यकता में 50 से 60% की बचत होती है। गन्ना प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। कूड़ों का निर्माण हाथ से पशु चालित या ट्रैक्टर चालित रिजरस द्वारा किया जाता है। खेतों में पानी लगाया जाता है तथा गीली मिट्टी में ही गन्ने के सेट्स को कूड़ में लगाया जाता है। इसके पश्चात कूड़ों को पैरों द्वारा मिट्टी में दबा दिया जाता है। इन प्रक्रियाओं में श्रमिक आवश्यकता 150 से 200 कार्य घंटे प्रति हेक्टेयर होती है। गन्ने की रोपाई की यांत्रिकृत विधि में ट्रैक्टर चालित गन्ना कटर प्लांटर द्वारा गन्ने के सेट्स की रोपाई की जाती है। गन्ना कटर प्लांटर में गन्ने के सेट्स की कटाई, दीमक के आक्रमण के विरुद्ध रसायन का प्रयोग, सेट्स की मीटरिंग, मेड़ तथा कूड़ बनाना, कूड़ों में गन्नों के सेट्स की रोपाई तथा सेट्स को मिट्टी से ढकना आदि सभी प्रचालन यांत्रिक रूप से किए जाते हैं। केवल इसमें गन्ने की भराई हाथ से की जाती है।
मशीन की कार्य क्षमता 0.10 से 0.15 हेक्टेयर प्रति घंटा के बीच है। मेरा नाम भगवान दास चौकसे है, मैं करेली का निवासी हूँ। इस वर्ष भी मैं गन्ना लगाने की मशीन से गन्ना लगवा रहा हूँ। पिछले वर्ष मैंने जब गन्ना लगवाया था तब इसमें 800 रुपये एकड़ का खर्च आया था। इस वर्ष भी मैं इसी पद्धति से गन्ना लगवा रहा हूँ और इसमें मजदूरों की संख्या कम लगती है। इसमें 2 लोग सिर्फ गन्ना लगाने में लगते हैं और 1 ड्राइवर गन्ना लगाते जाता है। फर्टिलाइज़र एक ही जगह गिरता है और अपना गन्ना भी उसी जगह कटते हुए गिरता जाता है, जिसमें आँखें भी ख़राब नहीं होती और गन्ने का जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, गन्ना अच्छी तरीके से लग जाता है। इसके पहले मैं चपा पद्धति से गन्ना लगवाता था, उसमें 1 एकड़ में लगभग 15-20 मजदूर काम करते थे और 1500 से 2000 रुपये पर एकड़ का खर्च आता था, जो कि इस पद्धति में लगभग उससे जस्ट आधा हो गया है। खुरपी द्वारा हाथ से खरपतवार उखाड़ना निदाई गुड़ाई की पारंपरिक विधि है। इस विधि से खरपतवार उखाड़ने की दक्षता लगभग 90% प्राप्त होती है। निदाई गुड़ाई की इस विधि में अत्यधिक कठोर एवं नीरस श्रम सम्मिलित है, क्योंकि श्रमिक खरपतवार बैठकर उखाड़ते हैं। सब्जी की फसलों हेतु निराई गुड़ाई की यांत्रिकृत प्रणाली के तहत राज्य के किसानों द्वारा एक द्विकतारी पशु चालित निंदाई यंत्र वीडर अपनाया गया है। इस निंदाई गुड़ाई यंत्र वीडर की कार्यक्षमता 0.15 से 0.2 हेक्टेयर प्रति घंटा के बीच है। इस यंत्र के प्रयोग से प्रचारण लागत में लगभग 50% बचत तथा श्रम आवश्यकता में लगभग 95% की बचत होती है, किंतु हाथ से खरपतवार उखाड़ने की 90% दक्षता की तुलना में इसकी निराई गुड़ाई दक्षता लगभग 75% है। आलू की फसल में मिट्टी पलटने तथा खरपतवार उखाड़ने हेतु उन्नत औजारों के तहत प्रदेश के किसानों द्वारा एक द्विकतारी पशु चालित बंड निर्माण यंत्र अपनाया गया है। इस उपकरण की कार्यक्षमता 0.02 से 0.04 हेक्टेयर प्रति घंटा के बीच है। इससे प्रचालन की लागत में लगभग 50% की बचत की जा सकती है। कीटों से फसलों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें रसायनों का छिड़काव किया जाना आवश्यक है। किसान रसायनों के छिड़काव की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। इनमें सबसे सामान्य तौर पर अपनाई गई विधि है हस्तचालित नैपसैक स्प्रेयर, जिसका प्रयोग चना, मटर, आलू, प्याज, लहसुन आदि की फसलों में छिड़काव हेतु किया जाता है। इस इकाई की कार्यक्षमता 0.1 से 0.15 हेक्टेयर प्रति घंटा है। एक अन्य प्रकार का प्रयुक्त होने वाला स्प्रेयर है बूम वाला स्प्रेयर। इसमें अनिवार्यता 2 नैपसैक स्प्रेयर्स के बीच में एक बूम लगाई गई है, जिसमें टोटियां लगाई गई हैं। बूम की चौड़ाई 2.5 से 3.0 मीटर के बीच होती है। इस इकाई की कार्यक्षमता 0.5 से 0.7 हेक्टेयर प्रति घंटा के बीच होती है। कई मामलों में यह देखा गया है कि कीटनाशक दवा कीड़ों तक नहीं पहुंचती है। फसल के ऊपरी भाग में रसायनों का बेहतर अवशोषण होना आवश्यक है, जिसके लिए उच्च वेग एवं बूंदों का आकार छोटा होना चाहिए। ये ट्रैक्टर चालित एरोब्लास्ट स्प्रेयर से प्राप्त किया जा सकता है। ये स्प्रेयर अब व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध है तथा प्रदेश के कुछ किसानों द्वारा इस प्रौद्योगिकी को अपनाया जाने लगा है। इनका प्रयोग मुख्यतः फलोद्यान फसलों के लिए किया जाता है, किंतु इन्हें गेहूं व चने जैसी फसलों में भी उपयोग किया जा सकता है। मेरा नाम विजय चौधरी है, मैं ग्राम जुझारपुर का निवासी हूं, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद का निवासी हूं। मैंने अभी रबी सीजन में 20 एकड़ में फसल लगाई है, जिसमें 10 एकड़ में गेहूं और 10 एकड़ में चना लगाया है। मैंने कृषि अभियांत्रिकी विभाग से एरोब्लास्ट मशीन 180 रुपये घंटे के हिसाब से किराए पर ली है। इस मशीन से फायदा है कि इसमें 10 दिन का काम 1 घंटे में हो जाता है और जो दवा डलती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से डलती है और दवा का सही उपयोग होता है और समय और मजदूरी दोनों बचती है। मध्य प्रदेश में कुल 40% खेती सिंचित है। अधिकांश किसान कुओं तथा ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं। वो विद्युत मोटर्स एवं डीजल इंजन चालित पंप्स का प्रयोग करते हैं। इन पंप्स के आकार 3 से 7.5 अश्व शक्ति के बीच होते हैं। राज्य के कई भागों में नहरों द्वारा सिंचाई भी की जाती है। राज्य शासन ने प्रदेश में स्प्रिंकलर सिंचाई यानी छिड़काव पद्धति से सिंचाई को प्रोत्साहित किया है। स्प्रिंकलर के प्रयोग से सिंचाई हेतु जल की वांछित मात्रा में 10% की बचत होती है। राज्य में कई किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अपनाया है।
कृषक परंपरागत रूप में हाशिए द्वारा फसलों की कटाई करते हैं। इस प्रकार काटी गई फसलों के कई बंडल बांध दिए जाते हैं, फिर इसे गहाई के लिए खलिहान में ले जाया जाता है। कटाई की उन्नत विधियों में ट्रैक्टर चालित रीपर एवं कंबाइन हार्वेस्टर्स का प्रयोग किया जाता है। प्रदेश में कंबाइन हार्वेस्टर्स का प्रयोग अनेक किसानों द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के कई किसानों ने अब स्वयं के कंबाइन हार्वेस्टर्स क्रय कर लिए हैं और वो इसे भाड़े पर देने लगे हैं। इन कंबाइन हार्वेस्टर्स का मूल्य 12 से 15 लाख रुपए के बीच है। कंबाइन्स के मालिक सामान्यतः 1500 से 2000 रुपए प्रति टैंक वसूल करते हैं। ये हार्वेस्टर्स रबी मौसम में प्रमुख रूप से गेहूं की फसल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मेरा नाम हरे राम चिमानिया है, ग्राम सोमलवाड़ा खुर्द का रहने वाला हूँ और मेरे पास टोटल 22 एकड़ जमीन है। इसके बाद में ये जो मैं हार्वेस्टर से कटवा रहा हूँ, इससे समय की बचत हो जाती है, टाइमली काम हो जाता है। लेबर प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा, इसलिए हार्वेस्टर मशीन से कटवाना पड़ता है। दूसरी चीज़, ये जल्दी कट जाता है तो इसको मार्केट भेज देते हैं, इसमें रेट अच्छे मिल जाते हैं। हसिए द्वारा पारंपरिक विधि से काटी गई फसल की थ्रेशिंग थ्रेशर्स द्वारा अनाज के दानों तथा बारीक भूसा प्राप्त करने में की जाती है। कंबाइन से फसल की कटाई मुख्यतः अनाज के लिए की जाती है तथा भूसे जैसा महत्वपूर्ण उत्पाद कंबाइन द्वारा कटाई किए गए खेत से प्राप्त नहीं हो पाता है। उक्त समस्या के समाधान के रूप में अब चारा कंबाइन का प्रयोग किया जाने लगा है। ये एक ऐसी मशीन है जो कटाई के पश्चात छूटे हुए चारे की कटाई कर उसे भूसे में परिवर्तित कर देता है। इस इकाई की कार्य क्षमता 0.3 से 0.4 हेक्टेयर प्रति घंटा के बीच है। पहले मैं हाथ से लेबर से कटाता था, मजबूरी ये हो जाती है कि लेबर नहीं मिलने के कारण हार्वेस्टर से कटा के फिर जो भूसा बनवाते हैं मशीन से, सरकारी मशीन मिल जाती है। आज जब जो मशीन मिल जाने के कारण मुझे भूसा खरीदना नहीं पड़ता है, वो 10,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाता है। शक्ति चालित थ्रेशर्स द्वारा फसल की थ्रेशिंग करके दाना एवं भूसा अलग अलग किया जाता है। लगभग पूरे प्रदेश में सोयाबीन, गेहूं तथा चने की फसलों की थ्रेशिंग के लिए किसानों द्वारा शक्ति चालित थ्रेशर्स को अपनाया गया है। प्रदेश में थ्रेशिंग पूर्ण रूप से एक यांत्रिकृत प्रक्रिया है। थ्रेशर्स की क्षमता विभिन्न फसलों सोयाबीन, गेहूं, चना के लिए 2 से 3 क्विंटल प्रति घंटा के बीच है। तथापि इन दिनों उच्च क्षमता वाले थ्रेशर्स की मांग अधिक है। हिडिंबा थ्रेशर्स का भाड़े पर बहुत प्रयोग किया जाता है। ये थ्रेशर्स 35 अश्व शक्ति के ट्रैक्टर्स द्वारा प्रचालित किए जाते हैं। इन थ्रेशर्स की क्षमता 1 से 2 टन प्रति घंटा है। मध्य प्रदेश में पारंपरिक तथा यांत्रिकृत दोनों ही विधियों से खेती की जाती है। किसान इन यांत्रिकृत प्रौद्योगिकियों के लाभ स्वयं महसूस कर रहे हैं। अन्य किसान उनके ही प्रदेश के किसानों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकियों को देखकर स्वयं लाभान्वित हो सकते हैं। Agriculture has been a major source of income and means of survival in rural India. Women play a major role in Indian agriculture in crop production, processing and value addition activities. Many of the farm jobs are strenuous and full of drudgery. Traditionally, rural women have been engaged in farm operations and activities that are full of drudgery. The Central Institute of Agricultural Engineering, located at Bhopal in Madhya Pradesh, has been working in development of agricultural machines, equipment and technology for increasing production and productivity and reducing drudgery of farm women. The institute has also been working on ergonomics of operation of many of the farm equipment and technologies, especially for women workers. The Central Institute of Agricultural Engineering was established on 15th February 1976. It is an institute of the Indian Council of Agriculture Research, Ministry of Agriculture, Government of India. The main purpose of this institute is to develop agricultural implements, machines, equipment to increase agricultural productivity and production throughout the country.
Women are also involved in agriculture and they do lot of hard work to increase the production and productivity. The institute has developed several women friendly equipment for crop production, processing and value additions for reducing drudgery of farm women. The manual dibbler. Placing seeds and fertilizer by hand is a strenuous operation and is full of drudgery. The manual dibbler is a simple device for placing seeds one by one. It can be easily operated by women. It gives required plant spacing and optimum plant population, resulting in higher yield. It is suitable for crops like maize, pigeon pea, cotton and other crops where row and plant spacings are higher. The manual rotary dibbler. The manual rotary dibbler is a special machine for placing maize seeds in the soil. It can precisely maintain seed to seed distance in the soil. It can also be used for planting soybean, sorghum, pigeon pea and Bengal gram. The manual seed cum fertilizer drill. The manual seed cum fertilizer drill is suitable for placing seed and fertilizer simultaneously in the soil. By the use of this machine, work can be completed in shorter time and drudgery is reduced. The crop yield is also increased due to better placement of seed and fertilizer. It can be used by small farmers for sowing of both small and bold seeds like mustard, sorghum, pigeon pea, soybean, maize, wheat, Bengal gram and other common seeds. Vegetable transplanter. Vegetable cultivation is an important farm activity and source of income for the farmers, where farm women play active role. Transplanting of seedlings is a labor-consuming activity with much drudgery. The tractor-drawn two-row vegetable transplanter can reduce drudgery in transplanting vegetable seedlings and do the job much faster. It is a semi-automatic machine operated by a tractor. The machine can transplant seedlings of tomato, cauliflower, cabbage, brinjal and other vegetable seedlings. Twin wheel hoe weeder. Traditional manual weeding by khurpi is a labor-intensive process where large number of women laborers are engaged. It is a farm operation full of drudgery. A wheel hoe weeder can be used for weed control on the farm for not only reducing the drudgery of weeding operation but also to complete weeding operation in time and increasing production and productivity. The wheel hoe weeder is suitable for weeding in upland row crops. It is a push-type weeder giving high output per worker. Improved sickle. Harvesting of cereal crops is mainly done manually by local sickle, mainly by farm women. Large number of workers are engaged in harvesting season. Often, agricultural laborers are migrating from one state to another for harvesting work. The serrated sickle developed by the Central Institute of Agricultural Engineering requires less cutting force and the cutting edge retains the sharpness for a long time, requiring less frequent sharpening. The sickle is ideal for harvesting wheat, rice, green fodder,
vegetables and other crops with thin stems. A self-propelled vertical conveyor reaper. A self-propelled vertical conveyor reaper can relieve the farm women from the drudgery of harvesting throughout the season. It cuts the crop and drops the cut crop in windrows with ear heads at one side for easy collection and removal from the field. The riding type vertical conveyor reaper windrower has the added advantage of operating in riding position. The drudgery of harvesting operation is reduced by the machine. The tubular maize sheller. Removing maize grains from the cob is a difficult manual job. The tubular maize sheller is a simple device to separate maize grains from the cobs. The tubular maize sheller has four tapered fins inside that can accommodate maize cobs of any diameter. About 1.5 quintal grains can be separated.